हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बस बताऊंगा गाइस कि सैमसंग F34 5G फ़ोन में आप लोग कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो यहाँ पर किसी का कॉल आ रहा है, कॉल आते ही आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर से किसी को कॉल कर रहे हो तब भी आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जा रहा है करने से ही। तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को फ़ोन के एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है जिससे आप लोग कॉल करते हो। तो देख सकते गाइस ये रहा मेरा फ़ोन का एप्लीकेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते गाइस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, तो इस स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा का ऑप्शन होगा, क्लियर डाटा पर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही फ़ोन के एप्लीकेशन का जो भी डाटा होगा, कैची होगा या सेटिंग्स वगैरह होंगे वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आपका जो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहेगा इस, तो आप लोगों को एक बार टेम्पर ग्लास को निकाल देना है। अगर आपके फ़ोन में टेम्पर ग्लास लगा हुआ है तब भी आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैमरे के साइड में यहाँ पर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है गाइस। अगर आपके टेम्पर ग्लास के वजह से वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो ब्लॉक हो चुका है तब भी आपके फ़ोन में कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो टेम्पर ग्लास को निकाल दीजिए, निकालते ही आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने सैमसंग F34 5G फ़ोन में कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।